A very good morning, children. Now in this session we are going to learn about Python binary file operation. Python में binary file operations कैसे perform करते हैं हम लोग, इस session में हम लोग देखेंगे, ठीक है? First of all, most of the file that we see in our computer system are called binary files. सबसे पहले एक चीज़ चलन जरूरी है हम लोगों के लिए पढ़ना कि जितना भी फाइल हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में मैक्सिमम देखते हैं कौन कौन सा बाइनरी फाइल्स होता है वो देख लीजिए. जितना भी डॉक्यूमेंट फाइल्स है .pdf, .doc, .xls, doc मीन्स वर्ड का फाइल, xls मीन्स एक्सेल का फाइल, ये सारा आपका क्या होता है? बाइनरी फाइल. इमेज फाइल्स लाइक png, jpg, gif, ये सारा इमेज फाइल भी क्या होता है? आपका बाइनरी फाइल होता है. वीडियो फाइल्स में अगर हम लोग देखें तो वीडियो फाइल्स क्या है? जितना .mp4, .3gp, .mkv, ये सारा आपका वीडियो फाइल्स है. ऑडियो फाइल्स की बात करें तो .mp3, .wav, .mk, ये सारा का सारा ऑडियो फाइल्स भी हमारा क्या है? पाइथन का बाइनरी फाइल्स है. डेटाबेस फाइल .mdb, .acc.de, .frm, etc, जितना भी ये सब फाइल हम लोग अभी देख रहे हैं ये सारा फाइल्स हमारा क्या होता है? बाइनरी फाइल. बाइनरी फाइल कहने का मतलब व्हेन द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर स्टूडेंट सिर्फ दो ही चीज समझता है, 0 और 1 या कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1. और बाइनरी इज नथिंग, इट इज बाई मीन्स 0 और 1. बाई मीन्स टू, वन इज 0 अनदर 1 इज 1, 0 या फिर 1, यही कंप्यूटर समझता है. और आज हम लोग पाइथन में सीखेंगे कि बाइनरी फाइल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे बाइनरी फाइल को हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे बाइनरी फाइल को हम लोग रीड करते हैं. ये दो टॉपिक को हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करने जा रहे हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड चिल्ड्रन, व्हेन वी ओपन एनी बाइनरी फाइल्स वी कैन नॉट बी एबल टू रीड. जब भी चिल्ड्रन आप कोई भी बाइनरी फाइल को ओपन करोगे, बाइनरी फाइल का मतलब होता है व्हेन द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1, 0s और 1 के फॉर्म में. तो 0 और 1 के फॉर्म में अगर आपके पास कुछ भी लिखा रहेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सिंपल ह्यूमन बींग्स टू रीड दैट फाइल, है ना? क्यों? बिकॉज इट इज इनकोडेड इन द बाइनरी फॉर्मेट मशीन लैंग्वेज. वो क्योंकि मशीन लैंग्वेज में लिखा रहता है इसीलिए उसको रीड करना इट इज नॉट अ इजी टास्क विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड. उसको कौन सिर्फ समझ सकता है? कंप्यूटर समझ सकता है. इन बाइनरी फाइल नो डेलिमीटर इज यूज टू इन द लाइन. देखिए बाइनरी फाइल में कोई भी डेलिमिटर जैसे /n/t ये सब वगैरह, जैसे हम लोग स्ट्रिंग में जब भी एंड होता है तो आप /n से एंड करते हैं ना. टेक्स्ट फाइल जब भी एंड होता है तो आप देखते हैं /n एक रहता है लास्ट में एंड के लिए, इसको हम लोग डेलिमिटर बोलते हैं. और वो मैंडेटरी पार्ट है कि जब भी आप टेक्स्ट फाइल को रीड करेंगे .txt फाइल तो एक लास्ट में /n डेलिमिटर का यूज होता है. लेकिन ऐसा डेलिमिटर जो है हमारा बाइनरी फाइल में यूज नहीं होता है बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन द बाइनरी फॉर्म. वो किस फॉर्म में रहता है? बाइनरी फॉर्म. और कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को. हेंस नो नीड टू ट्रांसलेट देम. अब बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है और आप बाइनरी फाइल ही क्रिएट कर दिए तो ऑब्वियस है उसको ट्रांसलेट करने का जरूरत नहीं है, उसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, है ना? जब कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि उसका जो स्पीड होगा, है ना, दैट इज वाई वी कैन से दैट दीज फाइल्स आर इजी टू वर्क विथ एंड फास्ट. उसका फाइल का कन्वर्जन बोलिए या रीडिंग प्रोसेस बोलिए या राइटिंग प्रोसेस बोलिए, इट इज़ वेरी फास्ट. वो बहुत ही फास्ट होगा क्योंकि कंप्यूटर 0-1 समझता है और आप 0-1 में ही उसको लिख रहे हैं तो ऑब्वियस है बाइनरी फाइल हमेशा फास्ट होता है. दिस इज द रीजन बिहाइंड वाई बाइनरी फाइल इज फास्ट. बाइनरी फाइल फास्ट होने का एक कारण है, एक तो डेलिमीटर का यूज नहीं करता है और जो भी फाइल में हम लोग टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, दैट्स वाई इट इज फास्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ मैं सिंपली बता रहा हूँ चिल्ड्रन, इजिएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूँ पाइथन का बाइनरी फाइल. तो अब हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड में सीख रहे हैं कि विच मॉड्यूल इज यूज टू क्रिएट बाइनरी फाइल. अब आपके पास आता है कि बाइनरी फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सा मॉड्यूल हम लोग यूज करते हैं. तो चिल्ड्रन बाइनरी फाइल को क्रिएट करने के लिए जो मॉड्यूल है उसका नाम है पिकल मॉड्यूल. द मॉड्यूल विच इज यूज टू इम्पोर्ट फॉर बाइनरी फाइल इज नोन एज पिकल मॉड्यूल. जैसे रैंडम मॉड्यूल होता है, जैसे मैथ मॉड्यूल होता है, मैथ में सारा मैथमेटिकल फंक्शन होता है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे वीडियोज में देखे हैं, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, पावर निकालना, तो उसके लिए मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे आपको जब बाइनरी फाइल का क्रिएशन करना है या बाइनरी फाइल को रीड करना है तो हम लोग इसके लिए क्या पढ़ेंगे? पिकल मॉड्यूल. हम लोग को क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? पिकल मॉड्यूल.
अब पिकल मॉड्यूल के बाद हम लोग एक दो टॉपिक और पढ़ लेंगे बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम। अभी हम लोग प्रोग्राम बाकी है, वीडियो में आप बने रहे चिल्ड्रेन, आपको अभी बहुत कुछ न्यू आपको मैं सिखाऊंगा कि बाइनरी फाइल को कैसे रीड करते हैं, बाइनरी फाइल में कैसे राइट करते हैं, ये सारा कुछ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहे चिल्ड्रेन। अब हम लोग जो नेक्स्ट सीखेंगे वो है पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, है ना। पिकलिंग क्या होता है और अनपिकलिंग, ये बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, है ना। पिकलिंग का मतलब होता है क्या, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा और एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी रैम, मीन्स व्हेन वी ट्रांसफॉर्म डेटा, मीन्स व्हेन एवर वी आर राइटिंग एनी प्रोग्राम। सपोज आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, इनपुट योर नेम, ठीक है, आपने इंटर करा दिया अपना नाम, तो अब ये जो आपका प्रोग्राम का जो कोड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा या फिर ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो कि कहाँ रहता है, रैम में, ठीक है। और इस डेटा को जब हम लोग बाइट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करते हैं, बाइट स्ट्रीम्स कहने का मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखिए जो बाइट स्ट्रीम्स लिखा हुआ है ना, बाइट स्ट्रीम्स मतलब सिक्वेंस ऑफ बाइट्स। अब बाइट्स का मतलब क्या हो, 1 byte इक्वल टू 8 bits, यानी बिट्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हम अपना जो डेटा जो प्रोग्राम लिखे हैं उसको जब हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, बाइट्स ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, बिफोर राइटिंग टू द फाइल, फाइल में राइट करने से पहले, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पिकलिंग बोलते हैं, या उसको हम लोग सीरियलाइजेशन भी बोलते हैं। गेटिंग माई स्टूडेंट, टू ट्रांसफॉर्मिंग डेटा और एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी टू ए बाइट, मतलब ओरिजिनल जो भी आप डेटा लिखोगे उसको आप मशीन लैंग्वेज में बाइनरी में जब कन्वर्ट करोगे तो उस प्रोसेस को पिकलिंग बोलते हैं या सीरियलाइजेशन भी बोलते हैं। इसी का रिवर्स होता है अनपिकलिंग, वी कैन से रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। अब उसी बाइट स्ट्रीम को अब आप क्या चाहते हो, रीड करना चाहते हो, जो बाइट स्ट्रीम में आप कन्वर्ट कर दिया, अब वो बाइट स्ट्रीम को आप रीड करना चाहते हो, है ना। रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ द फाइल आर रिवर्स प्रोसेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनपिकलिंग, या वी कैन से दैट वी टू कन्वर्ट द बाइट स्ट्रीम बैक टू ओरिजिनल स्ट्रक्चर। उसी बाइट स्ट्रीम को हम क्या चाहते हैं, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जो प्रोग्राम को लिखा गया है उसमें अगर आप लाना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनपिकलिंग, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि आप वन में क्या करते हैं, कन्वर्ट डेटा इनटू बाइट स्ट्रीम, और अनपिकलिंग क्या करता है, कन्वर्ट बाइट स्ट्रीम इनटू ओरिजिनल स्ट्रक्चर, उसको ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लाके दे देता है, कौन, अनपिकलिंग, ठीक है। नेक्स्ट पिकल मॉड्यूल, पिकल मॉड्यूल के अंदर दो मेथड्स होता है, मेजर मेथड्स है चिल्ड्रन, एक है डंप और दूसरा है लोड, दो मेथड है, एक है डंप चिल्ड्रन, दूसरा है लोड। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम वीडियो में आप बने रहिए, ये डंप और लोड से रिलेटेड मैं प्रोग्राम भी बना के आपको दिखाऊंगा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आप चैनल में बने रहे। डंप फॉर क्रिएशन ऑफ ए बाइनरी फाइल, डंप का किस लिए यूज किया जाता है, बाइनरी फाइल को बनाना। अगर आपको बाइनरी फाइल फर्स्ट टाइम क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको इम्पोर्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पिकल मॉड्यूल है ना, ये जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करोगे और इसके साथ कौन सा फंक्शन और मेथड यूज करेंगे, डंप मेथड, पिकल डॉट डंप लिख के टू राइट द ऑब्जेक्ट इन फाइल विच इज ओपेंड इन बाइनरी एसएस मोड। आपको बाइनरी एसएस मोड में ओपन करना होगा फाइल को, जैसे टेक्स्ट फाइल को हम लोग क्या करते थे, रीड मोड के लिए आर यूज करते थे, राइट मोड के लिए डब्ल्यू, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल, नॉट अ रीडिंग अ बाइनरी फाइल, हम लोग बाइनरी फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएशन के लिए आपको पिकल डॉट डंप लिखना होगा, टू राइट द ऑब्जेक्ट इन फाइल, फाइल का मतलब जो भी आप राइट लिखना चाहते हो ऑब्जेक्ट जो फाइल में उसके लिए, और ये याद रहे कि आपका फाइल किस मोड में ओपन होना चाहिए, बाइनरी एसएस मोड। दूसरा है लोड फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम ए बाइनरी फाइल, अब बाइनरी फाइल के डेटा को क्या करना है आपको, रीड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड फंक्शन यूज करेंगे। लोड फंक्शन क्या करेगा, जो भी बाइनरी फाइल आपका बना हुआ है ना, है ना, ध्यान से चिल्ड्रन, जो भी बाइनरी फाइल अब आपका बना हुआ है उसको आप रीड करना चाहते हो तो उसके लिए पिकल डॉट लोड लिखे टू रीड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिकल फाइल विदाउट लेट। चलिए हम लोग प्रोग्राम में चलते हैं, चलिए हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। पाइथन ओपन करते हैं हम लोग, पाइथन, ठीक है, पाइथन ओपन कर लिए, नहीं स्क्रिप्ट मोड में हम लोग आ जाते हैं। अब एक सिंपल सा हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम देखिए मैं खुद से बना रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको समझ में, टू राइट लिस्ट सीक्वेंस इन अ बाइनरी फाइल। क्वेश्चन समझिए पहले चिल्ड्रन, बोल रहा है एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें राइट क्या करना है, लिस्ट सीक्वेंस, आपको लिस्ट बनाना है किस फॉर्म में, बाइनरी, मतलब बाइनरी फाइल तो बनेगा
लेकिन वो फाइल किसका रहेगा, लिस्ट का रहेगा, मतलब लिस्ट के फॉर्म में बाइनरी फाइल बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्ट क्या करना पड़ेगा, पिकल। चिल्ड्रन रटना नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको करना है प्रोग्रामिंग, है ना, कहीं से भी रटना नहीं है प्रोग्राम, तभी आप सीख पाओगे, बड़ा बड़ा कोडिंग कर पाओगे। अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है बाइनरी फाइल क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे बाइनरी फाइल क्रिएट करने ही बोल रहा है क्योंकि राइट लिखा, राइट का मतलब है कि आपको क्रिएट करना है, ये सब लॉजिक आपको थोड़ा समझना होगा। तो इम्पोर्ट पिकल लिख लिए, अब हम एक लिस्ट बनाने बोला है तो एक लिस्ट वन ले लिए, और इसके अंदर हम लोग मान लो कुछ वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, हम लोग रखते हैं जो भी वैल्यू 25, 56, 89, 78, जो भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हम लोग रख लिए, ये हम लोग बना लिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी फाइल सॉरी लिस्ट हम लोग बना लिए। अब हम लोग फाइल हैंडल बनाएंगे, फाइल हैंडल के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल हैंडल बनाएंगे एफ, एफ इक्वल टू ओपन करना होगा जी, आप लोग सबको पता है ओपन फंक्शन से हम लोग कोई फाइल को रीड राइट के लिए यूज करते हैं। अब हम मान लो जो फाइल बनाना चाहते हैं उसका नाम दे देते हैं लिस्ट, ठीक है, डॉट डी ए टी, ठीक है, लिस्ट डॉट डी ए टी कॉमा डबल कोट्स। अच्छा, अब बाइनरी फाइल को हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग टू क्रिएट, तो इसके लिए राइट के लिए डब्ल्यू लिखते हैं और बाइनरी फाइल के लिए बी लिखते हैं चलिए, और जिस फाइल का नाम, जिस फाइल से क्रिएट करना है उसका नाम डॉट डैट और डबल कोट्स में रखते हैं, ये आपको याद रखना होगा चलिए, ठीक है। आप फाइल नेम कुछ भी, यहाँ लिस्ट की जगह ए बी सी कुछ भी रख सकते हो। डब्ल्यू बी क्या है, आपका एक्सेस मोड है चिल्ड्रेन, डब्ल्यू का मतलब हो गया राइट, क्योंकि हम लोग को राइट करने बोल रहा, और बी हम लोग इसलिए लिखे क्योंकि बाइनरी फाइल में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को ये हो गया, एकदम नहीं रटना चिल्ड्रेन, यहाँ से देख लिया आपने क्या क्या, लिस्ट आपने पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया, लिस्ट बना लिया, अब फाइल को ओपन भी कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है फाइल को, अब हम लोगों को डंप करना, डंप से ही हमारा फाइल क्रिएट होगा। तो चलिए पिकल डॉट डंप, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पिकल डॉट डंप लिखेंगे और इसमें लिखेंगे लिस्ट वन, लिस्ट वन कॉमा एफ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, लिस्ट वन जो है उसके अंदर हमारा फाइल चला गया, ठीक है, पिकल डॉट डंप राइट हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, वी आर राइटिंग कंटेंट्स टू बाइनरी फाइल, हम लोग क्या करें, कंटेंट्स को किस में लिख रहे हैं, बाइनरी फाइल, मेरा कंटेंट क्या है, लिस्ट वन, और इसको हम किस में लिख रहे हैं, लिस्ट वन सॉरी लिस्ट डॉट डैट बाइनरी फाइल। अब हम लोग एक मैसेज चाहे तो प्रिंट कर दें, या नहीं भी करोगे ये मैसेज तो चलेगा, प्रिंट लिख के और इसमें लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे चलिए, लिस्ट एडेड टू बाइनरी फाइल, है ना, लिस्ट कहाँ ऐड हो गया है, बाइनरी फाइल, ये ऐड हो गया ना। एफ डॉट क्लोज, क्लोज फंक्शन यूज करके हम लोग फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। चलिए अब प्रोग्राम को सेव करते, क्लोज फंक्शन का सबको पता है, अगर क्लोज फंक्शन नहीं यूज़ करोगे तो फाइल राइट नहीं होगा हार्ड डिस्क पे, इसीलिए हम लोग क्लोज कर देते हैं फंक्शन, और अगर उससे पहले भी अगर चाहे तो फ्लश फंक्शन का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम आज वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेव करते हैं प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे, ठीक है, हम लोग इसको कर देते हैं पी डॉट पी वाई नाम से, कुछ भी नाम से सेव कर लीजिए, आपको जो भी लगे रिलेवेंट नहीं, मैं समझाने के लिए बना रहा, पी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। चलिए नेक्स्ट नाम एक और है, हम उसको कर देते हैं पी ए पी डॉट पी वाई, ठीक है, सेव कर लिए हम लोग ना। अब रन करके देखते हैं हम लोग, रन करने से पहले एक चीज़ हम लोग चिल्ड्रन क्या कर लेते हैं, जैसे मेरे पास पी ए नाम का फाइल है तो इसको हम लोग कट करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं एक फोल्डर में डाल देते हैं, एक फोल्डर में रख लेते हैं, ठीक है, और उसमें लिखते हैं फाइल बाइनरी, जितना भी बाइनरी फाइल है, देखिए आप मैंने फाइल बाइनरी लिख दिया और इसके अंदर ये प्रोग्राम को पुटअप कर देते हैं, ठीक है, इससे एक बेनिफिट होगा, उस समझ में आएगा आपको। इसको पहले क्लोज कर देते हैं और ये जो हमारा बाइनरी पी ए फाइल है इसको हम लोग कट किए और फाइल बाइनरी के अंदर पेस्ट कर दिए, ठीक है, ये हमारा आ गया फाइल, आप देख सकते हैं। अब ये फाइल जो है, अब हम लोग इसको ओपन फिर से करेंगे चिल्ड्रन, ये फोल्डर के अंदर हमने डाल दिया फाइल बाइनरी फोल्डर, इसको ओपन करेंगे हम लोग इस फाइल को, ठीक है, अब हम लोग इसको रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो चिल्ड्रन क्या होना चाहिए, लिस्ट डॉट डैट फाइल आपका बाइनरी फाइल बन जाना चाहिए। चलिए हम लोग रन करते हैं, लिस्ट एडेड टू बाइनरी, मतलब कि हमारा लिस्ट ऐड हो गया, अब उसी फोल्डर हम लोग फोल्डर रिसीव लाए उसी फोल्डर के अंदर अब देखना होगा कि बना है कि नहीं, देखिए बन गया लिस्ट डॉट डैट, ये देखिए
अच्छे से देखिए यहाँ पे लिस्ट डॉट डेट बन गया 1 KB। इसको ओपन करके देखो क्या आता है, बाइनरी फाइल होगा। देखिए बाइनरी फाइल जो हम लोग को रीड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। देखिए बाइनरी फाइल दिख रहा है सबको क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली ये लिखा हुआ है बाइनरी फॉर्म में, क्या लिखा हुआ है, लिस्ट वन। क्या हमने लिखा था, हमने लिखा था लिस्ट वन, यही लिखा हुआ है। चलिए हम लोग इसको पटक देते हैं वहाँ पर, यही लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए कितना मुश्किल है उसको समझना, लिस्ट वन इक्वल टू ये, ठीक है। एक्चुअली में ये भी नहीं है, ये कहना जाए तो इतना ही है, ठीक है। इस चीज़ को वो लिखा है, इस चीज़ को ये देखो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बाइनरी, है ना। और ये आपका क्या हो गया, ये सिंपल हो गया टेक्स्ट। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये बाइनरी फाइल है, फाइल फॉर्मेट बाइनरी फाइल डेटा है, और ये सिंपल टेक्स्ट। तो ये हमारा क्या किया, हमारा जो टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ना, यही डिफिनेशन हम लोग लिखे थे, ये जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, बाइट स्ट्रीम में। देखिए बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया है ना, बाइट स्ट्रीम। और इसके लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज़ किए हैं, इसके लिए हम लोग डंप मेथड यूज किए, ठीक है चिल्ड्रन। ये समझ में आ गया डंप आप लोगों को। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और अब इसको हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। हाउ टू रीड, अब बाइनरी फाइल को रीड करना, तो इसको अब हम लोग पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, चलिए इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्लोज कर ही देते हैं सारा, है ना। फिर से रन करके अगर देखना तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, ये देखिए बाइनरी फाइल एडेड, और देखिए कि उसके अंदर क्या आता है डेटा, फिर से आ जाता है कि नहीं, आप ये सब चेक करके देखिए चिल्ड्रन, देखिए जो है सो है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बाइनरी फाइल को हमने क्रिएट कर लिया, अब बाइनरी फाइल को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए अब हमको क्या करना होगा, तो रीड करने के लिए चलिए हम लोग फिर से पाइथन के प्रोग्राम को खोलते हैं, एक नया बाइनरी फाइल प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल, एक न्यू प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम प्रोग्राम टू रीड, है ना, लिस्ट वैल्यूज फ्रॉम द बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल से लिस्ट वैल्यू को रीड करना है, तो चलिए रीड करके देखते हैं हम लोग कि क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इसमें भी रटना नहीं है चिल्ड्रन, हम बार बार बोल रहे हैं इंपोर्ट पिकल। और उसके बाद अब हम लोग को क्या करना होगा, फाइल को ओपन करना होगा, किस मोड में ओपन करेंगे आप कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से मेरे बनाने से पहले, किस मोड में होगा। तो फाइल का नाम क्या है, लिस्ट डॉट डैट, ये फाइल ओपन होगा। अब यहाँ पर RB मोड होगा, पता है क्यों RB मोड, आप सब जान रहे हैं चिल्ड्रन क्यों होगा। RB मोड का मतलब हुआ कि बाइनरी फाइल रीड मोड में ओपन करना है, राइट मोड में नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए रीड लिखा है इसीलिए RB मोड है ना, रीड लिखा है इसीलिए क्या है RB मोड है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब एक फाइल को प्रिंट करते हैं, सपोज जो भी है हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट वन लिखते हैं, और लिस्ट वन इज इक्वल टू लिखते हैं पिकल डॉट लोड, किसको लोड करेंगे, एफ को लोड करेंगे, है तो हमारा दिख गया, और फिर प्रिंट कर देंगे किसको, लिस्ट वन, ठीक है। और फिर आप चाहे तो फाइल को क्लोज, फाइल को यहीं पे क्लोज कर दीजिए आप चाहे तो, एफ डॉट क्लोज, क्लोज कर दिए फाइल को। अब इसको भी सेव कर लेते हैं हम लोग, इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, इसको नाम लिख देते हैं FA.PA, सेव हो गया। अब इसको रन कीजिए, देखिए ये फाइल में, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ओपन किए आरबी मोड में बाइनरी फाइल को रीड करिए, पिकल डॉट लोड से रीड होता है बाइनरी फाइल, फिर क्लोज कर दिए, फिर प्रिंट कर दिए लिस्ट वन। चलिए हम लोग रीड रन करते हैं अब इसको, देखिए रीड कर लिया ना, जो हम लोग लिखे थे 25 56 ये बाइनरी फाइल को, तो देखिए ये किस मोड में होगी, यहाँ पे अब क्या हुआ, ये
लोड हुआ, लोड फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या किए कि कन्वर्ट कर दिए ओरिजिनल डेटा को किस में, सॉरी बाइनरी डेटा को ओरिजिनल डेटा में। दिस इज द सिंपल प्रोग्राम हाउ टू कन्वर्ट ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इनटू बाइट स्ट्रीम एंड बाइट स्ट्रीम से फिर ओरिजिनल डेटा में, जिसको हम लोग पिकलिंग और अनपिकलिंग भी बोलते हैं। इसके बाद और भी प्रोग्राम है, अपडेटिंग और रिकॉर्ड इन ए बाइनरी फाइल भी आप उसका भी प्रोग्राम है ना, बहुत सारा सर्चिंग है रिकॉर्ड इन ए बाइनरी फाइल का प्रोग्राम है। तो ये सब प्रोग्राम भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम लोग इतना ही रखेंगे चिल्ड्रन, जो हम लोग सीखे हैं सिंपल सा रीडिंग और राइटिंग अ बाइनरी फाइल। थैंक यू।